नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आज हमारी मैथ्स की क्लास में हम लोग अपने स्टेप चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं। हमारा अभी स्टेप चैप्टर चल रहा है हमारी क्लासेस में। स्टेप चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद जितने भी कंसेप्ट हैं स्टेप चैप्टर में हम उन्हें कंप्लीट करेंगे और फिर उस रिस्पेक्टिव एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो। ओके, नोट्स हम लोग क्लास में ही साथ में बना रहे हैं ना, तो आप लोग के दो रजिस्टर होने चाहिए, एक कंसेप्ट रजिस्टर और एक प्रैक्टिकल रजिस्टर जिसमें आप सारे सम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो सेट चैप्टर को आगे ले जाते हुए अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें समझना है इक्वल सेट। मैम अभी इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब होता है दो सेट जो बिल्कुल बराबर हैं, मतलब एक सेट में जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो दूसरे सेट में भी लिखे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं इक्वल सेट। जैसे मैंने आपको बताया था सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट, और इसको जब हम एलिमेंट फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट फॉर्म मतलब जब इसका एक 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 एलिमेंट हम लोग लिखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। और ये कौन से ब्रैकेट से हम लिखते हैं? ऐसे, है ना, क्योंकि हम इससे ये बताना चाह रहे हैं कर्ली ब्रैकेट कहाँ यूज होता है। वहां यूज होता है कि जहां पे जितने एलिमेंट्स इसमें लिखे हैं बस उतने ही, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, तभी लगता है जी कर्ली ब्रैकेट। अभी ये सब एक्सरसाइज में पूछा जाएगा आपसे, अभी देखना है, इसलिए ध्यान से सुनो इन सब चीजों को। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, रोस्टर फॉर्म, अल्फाबेट। अब देखो अगर दो सेट है, 1 2 3, एक सेट ये है, दूसरा सेट है 1 2 3, ये दोनों बराबर हो गए ना, बराबर है, तो सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इक्वल सेट। क्या कहा जाएगा इन्हें? दोनों बराबर है तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इक्वल सेट। ठीक है, ओके, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? ओके, आगे बढ़ू अब मैं। ठीक है, चलो अब ये मैंने आपको बता दिया ब्रैकेट वाली चीज, कर्ली ब्रैकेट वाली चीज, रोस्टर फॉर्म वाली चीज। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो हमारे रियल नंबर होते हैं, मैम रियल नंबर जो मैंने बताया था जिसमें इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं, अब इन्हें हमें नहीं पता कि इनको हम कहां से स्टार्ट करें, मतलब नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करें, -1 से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें। क्यों मैम? क्योंकि इसमें कोई सिमिट्री होती ही नहीं है। क्यों मैम इसमें सिमिट्री क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शंस भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, सब कुछ आता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाता है, तो इसमें पता नहीं फ्रैक्शन लिखे कि होल नंबर लिखे, मतलब कंप्लीट नंबर लिखे, हाय राम इसमें क्या लिखे हमें नहीं पता, इसीलिए इनमें कौन से ब्रैकेट लगते हैं, ऐसे ओपन या क्लोज, जो ये बताते हैं, जो रेंज बताते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है पता है आप लोगों को? ध्यान से सुनना, ध्यान से, रियल नंबर कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, मतलब एलिमेंट फॉर्म में रियल नंबर नहीं लिख सकते आप, नहीं लिख सकते, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट एक तो इसमें लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मिडिल वैल्यूज भी इंक्लूडेड होती हैं, है ना, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन भी इंक्लूडेड होता है ना, देखो
नेचुरल, पहले सारे कंफ्यूजन हमें सॉल्व करने हैं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना, इसलिए हम पहले स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चीजों को समझेंगे। जैसे मैंने आपको कहा नेचुरल नंबर, तो आप उसे करली ब्रैकेट में लिख सकते हो, 1 2 3 तक 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 कहीं तक भी जाएंगे। अभी ये बताती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, अभी बता रही हूँ, पहले इसे इसे ध्यान से सुनो। इसे करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्यों, क्या इनमें मिडिल वैल्यूज आएंगी, नहीं, जो लिखा है वो ही आएगा, तो इसके लिए करली ब्रैकेट यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जी रियल नंबर के लिए करली ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर आपने रियल नंबर में जैसे -1 2 ऐसा कुछ भी लिख दिया और करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ जो लिखा है वो ही नहीं, मिडिल वैल्यूज भी रियल नंबर में आती है, बिकॉज फ्रैक्शन भी तो रियल नंबर ही होता है भाई। ओ हाँ मैम, इसीलिए यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं लगा सकते, और करली ब्रैकेट नहीं लगा सकते तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे रियल नंबर को, क्योंकि रियल नंबर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हम करली ब्रैकेट लगा के एक एक एलिमेंट को लिखते हैं, उसी को तो सेट में कहा जाता है। जब एक एक एलिमेंट करली ब्रैकेट में लिखते हो तो कहा जाता है ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो रियल नंबर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो मैम आप कैसे लिखेंगे भाई, कोई तरीका तो लैंग्वेज बताए। ये सेट अपने आप को बहुत महान समझता है, लैंग्वेज बोलता है कि हम तो लैंग्वेज है, तो सेट रियल नंबर को किस भाषा में लिखे फिर हम, तुमने बोल दिया रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते तो फिर किस भाषा में लिखे, आप बताओ, आप बताओ। अभी बताते हैं, सेट भी कहां पीछे रहने वाला था, सेट ने बोला रियल नंबर को एक रेंज में लिख सकते हो आप, रेंज मतलब एक लिमिट में लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने ये ओपन ब्रैकेट बनाया -2 से 5, अब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू और एंड की वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं है, बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडेड है, तो मैंने एक रेंज बता दी कि जो मेरा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, अब वो स्पेसिफिक टू क्वेश्चन होगा, स्पेसिफिक टू क्वेश्चन मतलब मैम, मतलब क्वेश्चन में जितने रियल नंबर हमसे पूछे जाएंगे कि वो किसमें देगा, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में, लैंग्वेज फॉर्म में किसमें देगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो रियल नंबर लिखे ही नहीं जा सकते, अभी बताया, तो कौन सा फॉर्म बचा, सेट बिल्डर फॉर्म, लैंग्वेज फॉर्म में तो देगा, अब वो लैंग्वेज फॉर्म में बताएगा हम लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू ये, तो वो बताएगा कि भाई एक्स एक रियल नंबर है, और कौन सा रियल नंबर है, किस लिमिट तक जाता है, वो क्वेश्चन में बताया जाएगा, उस हिसाब से आप बनाओगे इसके ब्रैकेट, चाहे ओपन चाहे क्लोज, चाहे वन ओपन वन क्लोज या वन क्लोज वन ओपन। और ये सारे ब्रैकेट्स हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट का, क्लोज ब्रैकेट का, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज का मतलब क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो जब क्वेश्चन में रियल नंबर दिए जाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाएगा, आपको एक रेंज दी जाएगी कि इस रेंज के अंदर मेरे रियल नंबर आ रहे हैं, अब उन्हें लिखो, कैसे लिखोगे, इन वाले ब्रैकेट्स का यूज करके, करली ब्रैकेट का नहीं, करली ब्रैकेट का नहीं, बिकॉज करली ब्रैकेट रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और वो ये बताते हैं कि जो लिखा है बस वो ही, लेकिन रियल नंबर में ऐसा हो नहीं सकता जो लिखा है वो ही, क्योंकि मिडिल वैल्यूज भी आ जाती है, फ्रैक्शन भी तो इंक्लूड है, इसी वजह से। क्लियर जी, ओके जी, तो हमने अब दो चीजें कवर की, कौन सी दो चीजें, ध्यान से सुनना, पहला फर्स्ट हमारा इक्वल सेट्स, जो बोलता है कि दोनों सेट बराबर है उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट। दूसरी चीज हमने क्या कवर की, कि रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, एक एक एलिमेंट में करली ब्रैकेट लगा के नहीं लिखा जा सकता, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, जब वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी रेंज बना देते हैं, लिमिट बना देते हैं, और रेंज कैसे, ओपन ब्रैकेट यूज करके या क्लोज ब्रैकेट यूज करके। अब वो कौन सा ब्रैकेट कब लगेगा, जैसा क्वेश्चन में बोला गया हो, क्वेश्चन में अगर बोला गया हो जैसे इक्वल टू का साइन लगा रहता है, अभी अपन क्वेश्चन में उसे सीख लेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला गया उस अकॉर्डिंग ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट लगेंगे। ओके, समझ आया, ध्यान से सुनो मेरी बात, जैसा क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से अपन लोग लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट ओपन या क्लोज लगेंगे, करली नहीं लगेंगे, बिकॉज करली में तो मिडिल वैल्यूज इंक्लूड ही नहीं होती है, यही तो हमने समझा था। ओके जी, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे है सेट के अंदर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब मैम जी ये क्या है? बहुत सिंपल है ये। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। मतलब मैम अभी बता देते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा एक सेट बनाओ, एक हफ्ते में कितने दिन हैं? इसका एक सेट बनाओ, हफ्ते में कितने दिन हैं उसका एक सेट बनाओ, ठीक है? सेट मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आप कैसे बनाओगे सेट? मैंने आपको बोला मेरे को सेट बना के दो, मतलब मेरे को ये जितना भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब क्या चीजें भी आ सकती है इसमें, मतलब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं इसका एक पूरा मुझे सेट बना के दो। चलो बना के दो मैम, सेट बना के दे आपको। अच्छा मैम कौन सा रोस्टर है सेट बिल्डर फॉर्म? मुझसे होशियारी, मुझसे होशियारी। सेट बिल्डर फॉर्म तो अभी बता दिया मैंने। मैम कैसे? मैंने क्या बोला? मुझे सेट बना के दो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। लैंग्वेज फॉर्म में तो मैंने आपको बता दिया, मुझे क्या सेट बिल्डर फॉर्म बना के दोगे? सेट बिल्डर फॉर्म तो मैंने खुद बता रही हूँ आपको, लैंग्वेज फॉर्म ही तो होता है क्या सेट बिल्डर फॉर्म, वो तो खुद बता रही हूँ मैं। अच्छा मैम रोस्टर फॉर्म में बना के देना। हाँ तो सीधा सीधा बोलो। क्यों सीधा सीधा बोलू? जब इतने अच्छे से समझाया है तो समझना चाहिए ना आपको। ओके मैम समझ गए, समझ गए ना। चलो चलो तो आप कैसे लिखोगे? मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। डन, ठीक है। इसके आगे कोई और हफ्ता बनाओ उसका? नहीं ना, इतने ही हफ्ते आते हैं। इसमें क्या हो गए? डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसका एक एंड है। हफ्ते में सात दिन ही आते हैं, वो ही लिखे जाते हैं। उसके अलावा आठवां दिन आता है क्या हफ्ते में? नहीं, एक डेफिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं ये, एक लिमिट है, एक एंड है। ओके सेम मैंने आपसे बोला मुझे नेचुरल नंबर का सेट बना के दो। अच्छा मैम नेचुरल नंबर का सेट बना के दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे रुको 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 बच्चों, कितने लिखते जाओगे, कितने लिखते जाओगे? कोई अंत है क्या? अंत तो है ही नहीं, जहां से स्टार्ट है वो तो आपको पता है, 1 2 3 आते हैं। अंत क्या है इसका मैम? अंत तो है ही नहीं, इसीलिए इसे कहा जाता है इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आते। क्या एंड पॉइंट है पता ही नहीं, कितने भी नंबर हो सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन कहाँ तक जाएंगे पता ही नहीं है, कोई अंत दिखता ही नहीं है इसका, कोई एंड है ही नहीं, इसलिए इसे कहा क्या जाता है? इनफाइनाइट सेट। क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और इसके लिए हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब ध्यान से देखना इसका तरीका। हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ध्यान से देखना। हम लिख देते हैं 1 2 3, अब कहां तक जाएगा तो उसके लिए हम डॉट 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 ऐसे लिख देते हैं, खत्म, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। उसे क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट सेट। तो अभी तक अपन ने क्या किया? इक्वल सेट पढ़ा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ा, और ये पढ़ा कि रियल नंबर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इनको रेंज में लिखते हैं। तो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड, जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर। अब आ जाए एक और चीज पे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है क्या? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट माने मैम? एम्प्टी सेट माने जिसके अंदर एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, वो सेट नल या वॉइड होगा। जिसका दूसरा टर्म क्या है? नल या वॉइड, NULL, ओके एंड वॉइड, एम्प्टी सेट, खाली सेट। अब सेट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज सेट एक लैंग्वेज है, वो हर किसी चीज को बोलने का तरीका अपना अलग बताएगी, है ना, बिकॉज वो अपनी लैंग्वेज है। तो सेट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? ऐसे 5 इस तरीके से, या सेट तो बना दो ऐसे, ऐसे बना दो रोस्टर फॉर्म, अंदर कुछ नहीं लिखो, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, इसका एलिमेंट नल है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, वॉइड है। मैम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मुझे बताओ 13th month कौन सा पड़ेगा ऑफ अ ईयर? बताओ एक साल का 13वां महीना कौन सा है? 13th month कौन सा है?
सब बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ। मैम आज आप शायद क्या खा के आई हैं? क्यों मैम ये कैसा सवाल है? 13th month क्यों, उसमें क्या खराबी है मैम? ऐसा कुछ महीना ही नहीं होता, 12 महीने होते हैं मैम। ओहा 12 महीने होते हैं, मतलब मैम ने गलत सवाल पूछ लिया। रब करो रब करो रब करो। नहीं मतलब अगर आपसे कोई बोले ऐसा सेट बनाओ जिसमें 13th month है तो आप क्या कहोगे उसे? नल सेट, एम्प्टी सेट। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 5 से इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। एलिमेंट मतलब जो सेट के अंदर लिखा होता है, जो हम कलेक्ट करते हैं डेटा, वो डेटा हम एक एलिमेंट के फॉर्म में तो लिखते हैं ना, नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, उसे कहा जाता है एलिमेंट, जो सेट का पार्ट होते हैं। ठीक है, मैंने बताया हुआ है ये। ओके, तो इसे क्या कहा जाएगा? एलिमेंट। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। 13th month जब होता ही नहीं है तो कहां से आएगा एलिमेंट? ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, इसलिए कहा जाता है इसे नल, वॉइड या एम्प्टी सेट, खाली सेट। एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता, 13वां महीना होता ही नहीं है, तो इसे क्या कहा जाता है? एम्प्टी सेट। डन। जो पॉसिबल ही नहीं है चीज, जो हो ही नहीं सकती, मतलब ऐसा सेट हम बना ही नहीं सकते, खाली सेट है ये, खाली, अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता है इसका, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं? या तो 5 लिख दो, या तो ऐसे बस ब्रैकेट बना दिया, अंदर कुछ नहीं आएगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो एक भी एलिमेंट इसका नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं। कूल, डन, क्लियर। तो अभी तक अपन ने क्या किया? एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर नहीं लिखे जा सकते। इन चार चीजों को अभी अपन ने बहुत अच्छे से समझा है। अब इससे रिलेटेड पहले अपन पूरी एक्सरसाइज करेंगे, फिर इसके नोट्स भी साथ ही साथ बना लेंगे। पहले आप अपना एक्सरसाइज रजिस्टर, मतलब प्रैक्टिकल रजिस्टर ओपन करो, पहले अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वो सारी एक्सरसाइज बुक में अपन लिखेंगे, एंड देन जो इसके कंसेप्ट रजिस्टर में, जो इसके नोट्स में बनवाऊंगी, फिर वो उसमें लिख, ठीक है, ताकि आपकी दोनों चीजें सेपरेट हो। कंसेप्ट में आपके कंसेप्ट आते जाए पर्टिकुलर चैप्टर के, और आपके प्रैक्टिकल उसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाए आपको। ओके, चल अपना फटाफट से प्रैक्टिकल रजिस्टर ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, ये एम्प्टी सेट डन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट डन, रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म, ठीक है, इक्वल सेट डन। ओके, चलो इसकी एक्सरसाइज पे आ जाओ, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो लेट्स बिगिन, अपन अब इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से सेट नल सेट है, मतलब कौन से सेट एम्प्टी सेट है इसके अंदर, ठीक है। ओके, सबसे पहले है ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऐसा नंबर है जो ऑड हो, ऑड नंबर है और वो 2 से डिवाइड हो सके? है ऐसा कोई नंबर पॉसिबल? नो, इट्स अ नल सेट। एस भाई, फिर वो ऑड बोलेंगे क्यों उसे? इवन नंबर नहीं बोलेंगे, ऑड नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2 ना, तो इसीलिए नल सेट। ऐसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं डिविजिबल बाय 2। ओके, चलो नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर हो लेकिन इवन नंबर भी हो? यही लिखा है ना, इवन एंड प्राइम, मतलब वो नंबर इवन भी है प्लस प्राइम भी है। बताओ 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 बताओ। हाँ, पॉसिबल है। 2 इज अ नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, बाय इटसेल्फ डिवाइड होता है, तो प्राइम नंबर तो है, एंड 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर,
हो गया ना, तो नल सेट तो नहीं है, एक एलिमेंट आ गया इसमें तो नल सेट तो ये है नहीं, ठीक है ओके। अब देखो x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है ठीक है, देखो लिखा क्या है, देखो लिखना क्या है, x ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है, ध्यान से पढ़ो, 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है, क्या ऐसा नंबर पॉसिबल भी है, 5 से छोटा नंबर लेकिन 7 से बड़ा नंबर हो कैसे सकता है ऐसा, 5 से छोटा नंबर 7 से बड़ा नंबर पॉसिबल है नहीं ना, तो ये भी हो गया नल सेट मतलब एम्प्टी सेट ओके। अब वाई, जहां पे y, अब x की जगह इन्होंने सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया है y से, वो तो कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं ठीक है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पर इन लोगों ने y यूज किया है। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, भाई दो पैरेलल लाइंस तो ऐसी जाती है, कोई भी पैरेलल लाइन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आता जो कॉमन हो, है क्या ऐसा कोई पॉइंट, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा नल सेट। तो इसमें 1, 2 और 4 ये तीनों के तीनों नहीं, सॉरी 2 नहीं, 1, 3 और 4 तीनों क्या है नल सेट ओके। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है ओके। मैम बता देंगे, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर क्या चलते जाते हैं क्या, पता है ना 12 महीने है, फाइनाइट सेट है, 1, 2, 3 लिखा है भाई, कहां तक एंड होगा पता ही नहीं है, नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट सेट है ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 है, 100 तक एंड हो रहा है, देखो इसके आगे डॉट नहीं लगी हुई है, ध्यान से देखो 100 तक ही खत्म हो रहा है, तो ये फाइनाइट सेट है, इसका एंड दे दिया है, एंड पॉइंट दिया है 100 इसका एंड पॉइंट दिया है, ऐसा नहीं लग रहा है डॉट एंड पॉइंट है ही नहीं, ऐसा नहीं है, एंड पॉइंट दिया है, तो जिसमें डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एंड पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है जी, क्या कहा जाता है फाइनाइट सेट ठीक है। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, पता नहीं कितने हो सकते हैं वो तो इंटीजर्स 100 से बड़े, मतलब 101, 102, 103, 104 इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं आते, रियल नंबर्स में आते हैं, 101, 102, 103 पर फिर भी कोई लिमिट का है एंड का है, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट है ठीक है ओके। आप मेरे साथ सॉल्व करते जा रहे हो ना अपनी एक्सरसाइज कॉपी में, डू सॉल्व इट ओके। चलो नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे सारे प्राइम नंबर का एक सेट बनाओ, अब ये क्या हो गया फाइनाइट सेट, एंड दे तो दिया 99 से छोटे सारे प्राइम नंबर बताओ, अब कहां तक एंड है, ऐसा थोड़ी ना एंड पॉइंट दिया है 99 से छोटे, बता दिया उन्होंने, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये फाइनाइट सेट ओके ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, सबने नोट डाउन कर लिया ना, सब मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे हैं ना, चलो नेक्स्ट तो बढ़ते हैं। अब क्या है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट, अब इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब लैंग्वेज फॉर्म में दिया है, हमें बताना है, लैंग्वेज फॉर्म में भी नहीं दिया है एक्चुअली, कोई लाइंस लिख के दे दिए हैं हमें ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी तो वो एक्स एक्स इक्वल टू ऐसे लिखना पड़ता है ना, हाँ इन्होंने क्या दिया है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस होती है, इससे पैरेलल कितनी लाइंस है उसका सेट बनाओ, कोई लिमिट है क्या कितनी कितनी भी लाइंस बन सकती हैं इसके, ये क्या होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइंस बन सकती है, कोई रेंज ही नहीं है कोई एंड ही नहीं है, तो ये क्या होगा जी इनफाइनाइट सेट ठीक है ओके। हाँ सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट होते हैं ना भाई, लिमिट पता है इसकी, तो ये क्या होगा फाइनाइट सेट ठीक है ओके। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे नंबर बताओ जो 5 के मल्टीपल है, ध्यान से सुनना, ये है इनफाइनाइट सेट, 5 के मल्टीपल पूछे मतलब ऐसा नंबर जिसको
फाइव डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, ऐसा नंबर, फाइव का मल्टीपल मतलब वही होता है ऐसा नंबर जिसको फाइव कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता, ठीक है। पता नहीं कितने नंबर होगी, जब नंबर सिस्टम में नंबर की कोई लिमिट नहीं है तो फाइव के मल्टीपल की लिमिट कैसे हो सकती है भाई, कैसे हो सकती है ना, इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैंने यहां लिखा होता डिवीजर बताओ फाइव का, डिवीजर उसकी तो लिमिट है, फाइव को जो नंबर डिवाइड कर सके अगर आप डिवीजर बता देते हो तो एक ही निकलता फाइव, है कि नहीं, तो वो तो लिमिट हो गई, वो फाइनाइट सेट हो जाता। लेकिन लेकिन और वन, वन इटसेल्फ, क्योंकि वन तो ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर लेता है, और फाइव, ठीक है, फाइव को वन तो डिवाइड कर लेगा कंप्लीटली, और फाइव से फाइव भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, है ना। तो अगर मैं ये बोलती डिवीजर ऑफ फाइव तो वो लिमिट है, चलते नहीं जा रहे तो वो फाइनाइट होता, पर यहाँ पूछा है मल्टीपल, ऐसा नंबर जिसको फाइव डिवाइड कर लेता है, डिवीजर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिससे हम फाइव को डिवाइड करें। देखो ध्यान से सुनो, हिंदी में सुनो, अच्छे से समझ में आएगा। डिविजिबल मतलब ऐसा नंबर, मतलब डिवीजर, अगर फाइव का डिवीजर तो ऐसा नंबर जो फाइव को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब जिससे हम फाइव को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लायर मतलब ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जिसको फाइव डिवाइड कर देती है, हिंदी में अजीब लग रहा होगा लेकिन हिंदी में ही पढ़ने से समझ में आएगा, मतलब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे ऐसा नंबर जो फाइव को डिवाइड कर रहा हो, जैसे ऐसा कौन सा नंबर है, वन, फाइव को डिवाइड कर रहा है, फाइव बाय फाइव। अब ऐसा नंबर जिसको फाइव डिवाइड कर देती है, जैसे टेन, फाइव डिवाइड कर देती है, ट्वेंटी, फाइव डिवाइड कर देती है, फिफ्टीन, फाइव डिवाइड कर देती है। अब इसकी तो कोई लिमिट है नहीं, इसलिए डिविजर की कोई, सॉरी मल्टीपल की कोई लिमिट है नहीं, इसलिए वो इनफाइनाइट। लेकिन डिविजर की लिमिट होती इसलिए वो क्या होता, क्या होता, फाइनाइट, क्या होता वो, फाइनाइट। ओके, क्लियर, क्लियर सबको, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अरे बाप रे, आपको पता है क्या, इस धरती पे कितने सारे जानवर रहते हैं, क्या ऐसे कोई लिमिट है क्या, पता ही नहीं है, इसलिए ये होगा इनफाइनाइट सेट। ओके, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजन, ओ ओ, जीरो जीरो, सॉरी जीरो जीरो, ये जीरो जीरो पॉइंट से कितने भी सर्कल पास कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से एक सर्कल पास किया, दूसरा, इसका रेडियस अलग आएगा, इसका रेडियस अलग आएगा, ये एक सर्कल और पास किया, इसका रेडियस अलग आएगा, ऐसे कितने भी सर्कल पास कर सकते हो, लिमिट का है, इसलिए ये भी हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। ओके, क्लियर, ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, इजी है ये वाले क्वेश्चंस, तो टेंशन मत लो, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। चल अपन करें, अब क्या लिखा हुआ है, वाह यार, ये बताना है कि इक्वल सेट है कि नहीं, अब ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इधर लिखा है ए बी सी, इधर लिख दू सी बी ए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सारे एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट्स में है ना, बस, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, दूसरा मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, मैंने क्या बात बताई थी, कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जो एलिमेंट दो बार आए उसे जनरली एक ही बार लिखा जाता है, जैसे वन टू थ्री थ्री आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बस वन टू थ्री। एक एलिमेंट अगर दो बार आता है, ट्वाइस आता है या थ्राइस आता है, तो उसे सिर्फ एक बार लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में जनरली, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया है वन टू थ्री, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये एक सेट है दिया है वन टू थ्री, हो गया, एक दूसरा सेट है दिया है वन टू थ्री थ्री, अब आप, मैं आपसे पूछूंगी ए और बी इक्वल हैं, आप कहोगे यस
इक्वल है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, ये जो इक्वल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और एलिमेंट भी सेम, भाई एलिमेंट जो इसमें लिखा है वही इसमें लिखा है, हाँ तो इक्वल है। अब बिकॉज इन्होंने क्या किया है, एक ही एलिमेंट को दो बार रिपीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि वैसे इनको लिखना कैसे चाहिए था ऐसे 1 2 3, पर अगर गलत तरीके से लिख दिया है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, तो आप इसे इक्वल सेट ही बोलोगे, बिकॉज हम जनरली रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जो एलिमेंट एक से ज्यादा बार आता है उसे एक ही बार लिखते हैं, तो उसका सही तरीका तो यही था, तो इक्वल है ना इसीलिए। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए तो उसे ये मत बोल देना ये इक्वल नहीं है, इक्वल है, एलिमेंट तो सेम है ना, भले दो बार लिख दिया है तो ये गलत इन्होंने लिखा है, लेकिन एलिमेंट तो सेम है ना, तो इक्वल सेट है, क्लियर। और सीक्वेंस चेंज होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये दो पॉइंट्स क्लियर है, चलो आ जाओ अब इसको करते हैं अपन। ध्यान से अब देखो, इन द फॉलोइंग सेट क्या ए और बी बराबर है, देखो ए बी सी डी, हाँ ए बी सी डी, हाँ जी इक्वल सेट है ये, ठीक है। सेकेंड 4 8 12 16 4, हाँ 8, हाँ 16, हाँ इक्वल सेट नहीं है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, इक्वल नहीं है, इक्वल का साइन होता है ऐसा, तो नॉट इक्वल का कैसा होगा, ऐसा है ना, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 2 4 6 8 10, ठीक है, ध्यान से पढ़ो उसमें क्या लिखा है, एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव है इंटीजर है मतलब पॉजिटिव है, मतलब 1 2 3 से स्टार्ट होगा, इवन है, ठीक है, और 10 या 10 से छोटा, मतलब ऐसे इवन नंबर जो 10 तक आ रहे हो, 10 से छोटे हो या 10 तक हो, क्या है 2 4 6 8 10, 10 इंक्लूडेड है, देखो भाई देखो इक्वल का साइन लगा है इधर, दिख रहा है सबको, इक्वल का साइन लगा है इधर, है ना, ठीक है। अब देखो 2 4 6, हाँ ये तो बराबर हो गया, हाँ जी तभी तो ये इक्वल सेट है, क्लियर। नेक्स्ट, कौन बोलता है मैथ्स टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, अगर लॉजिकली बहुत अच्छे से समझेंगे तो मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, ऐसा मत सोचना मैम आप तो मैम उसके आप बोल दो, इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं, मैथ्स टफ बनती है बिल्कुल, बहुत स्टूडेंट्स के लिए टफ होती है, इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, हर स्टूडेंट पास दिमाग होता है, इसीलिए दो रीजन होते हैं, पहला हम लोगों ने दिमाग में पहले ही मैथ्स को लेकर इतनी टेंशन बना दी होती है ना, कि कोई सिंपल चीज भी होती है ना तो हम उसमें ढूंढने लगते हैं, नहीं ये इतनी सिंपल नहीं हो सकती, ये मैथ्स है भाई ये इतनी सिंपल नहीं हो सकती, कुछ है कुछ है कुछ है, जिस वजह से हम उसको फालतू में कॉम्प्लिकेट करते हैं। दूसरा हम लॉजिक समझते ही नहीं है, जैसे अपन ने फाइनाइट इनफाइनाइट बहुत अच्छे सारे लॉजिक समझे तो इजी लग रहा है ना, बिना लॉजिक के रटना स्टार्ट करते हैं तो उस वजह से मैथ्स बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, हर स्टूडेंट, ट्रस्ट मी ऑन दैट, भगवान ने सबको दिमाग दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज्यादा या कोई कम, रैंक कोई भी ला सकता है, कोई भी अच्छे परसेंटेज ला सकता है, पढ़ना ही तो पड़ता है, मार्क्स के लिए क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है, जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छे मार्क्स ले आएगा, बस यही होता है मार्क्स का कॉन्सेप्ट, इससे आपकी इंटेलिजेंट डिफाइन नहीं होती है, लेकिन हाँ बिकॉज अगर आपको अपना एजुकेशन लाइन में अच्छा करियर बनाना है तो मार्क्स आर इम्पोर्टेंट, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, जब तक अगर एजुकेशन कल्चर चेंज हो कि हाँ जब मार्क्स इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अभी तो मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम मार्क्स के साथ साथ कंसेप्ट भी अच्छे गेन करें, सिर्फ मार्क्स लाना हमारा गोल ना हो, हम लोग सारे के सारे लॉजिक्स भी बहुत अच्छे से समझें, अगर हम कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे तो हमें एटलीस्ट ये लगेगा मार्क्स तो हमारे आए हैं, लेकिन जो मार्क्स मैं लाया हूँ ना या मार्क्स मैं जो लाई हूँ ना वो फुल लॉजिक समझ के लाई हूँ, मुझे आता है भाई ये चीज, आगे जाके मुझसे कोई पूछेगा या मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होगी ना तो मैं कर पाऊंगी या मैं कर पाऊंगा, ठीक है, इतना गोल हमारे माइंड में हम रख सकते हैं। ओके चल, ज्ञान ज्यादा हो गया ना, चल ठीक है। देखो अब क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ओ x 10 का मल्टीपल है, ठीक है,
10 का मल्टीपल, मतलब जिसको 10 डिवाइड कर देता हूँ, हाँ तो है ना 10, 15, 20। इसमें भी देखो डॉट 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 लिखा है, लिमिट है नहीं, इसमें भी लिमिट नहीं, इसमें भी लिमिट नहीं, एग्जैक्ट है। हाँ भाई इक्वल है ये, लिमिट तो दोनों में ही नहीं ना, 10 के मल्टीपल कितने होंगे, तभी तो इन्होंने रोस्टर फॉर्म में लिखकर इसको डॉट 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 लिखी है ना। खत्म। ओके चलो अब आ जाओ, अब क्या ये सेट इक्वल है? ओके अपन देख लेते हैं ये सेट इक्वल है कि नहीं। ओके चार मार्क दिस क्वेश्चन, इसके अंदर इक्वेशन आई है और अभी तक मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बताया, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन नहीं सॉल्व करेंगे। लेकिन लेकिन जैसे ही आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा फिर तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना इक्वल सेट का, जैसे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ इसमें रोल क्या है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो जब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दूंगी ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, ओके Y is the letter of the word wolf, okay. अब देखो follow को अगर इन्होंने क्या किया, element repeat किया है, अगर हम लोग लिखते तो कैसे लिखते, F O को एक ही बार लिखते हम लोग, L को एक ही बार लिखते और W लिखते, ठीक है। तो क्या इसमें है W O L, हाँ बराबर, इसलिए ये है equal set। मैंने आपको बताया था सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एलिमेंट दो बार लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वल सेट रहते हैं। अगर एक ही एलिमेंट दो बार लिख दिया, क्योंकि वैसे जनरली एक बार कोई दो एलिमेंट आ रहे तो उसे एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट दो या तीन बार आ रहा तो उसे एक ही बार लिखते हैं, है ना, इसी वजह से। तो क्वेश्चन में ही दिया है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे इक्वल सेट हम लोग जरूर बोलेंगे। ओके ठीक है क्लियर। अब देखो फ्रॉम द गिवन सेट, इसमें से ढूंढो कौन से इक्वल सेट है, मुझे तो ये मिल गया ई और जी, है ना। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, -1, 1, -1 दोनों है, ई और जी इक्वल सेट है, हटा दो इसको, हटा दिया जी हटा दिया। अब देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, बी और डी इक्वल सेट है, हटा दिया जी हटा दिया इसको। ओके जी ओके, अब ए और सी देखना, हाँ 4, 8 तो दिख रहा है मुझे, 4 भी दिख रहा है मुझे, 12 भी दिख रहा है मुझे, लेकिन इक्वल नहीं है, इधर 2 है इधर 14 है, ये इक्वल नहीं है, ये हट गया। अब कौन सा बचा है, यहाँ 0A है या 0B है, ये भी इक्वल नहीं है, तो सिर्फ दो इक्वल है, ई और जी और बी और डी, ये दोनों इक्वल सेट है। डन 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 डन, हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म। तो आज का हमारा पूरा ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई। हमने आज क्या क्या किया, इक्वल सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एंड रोस्टर फॉर्म के कितने एलिमेंट्स होते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर नहीं लिखे जा सकते हैं, ये अपन ने किया बिकॉज वो रेंज में लिखे जाते हैं। ओके ये पूरा का पूरा आज अपन ने कवर किया, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा। ओके अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी नोट्स है सबसे पहले वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी, आगे के कॉन्सेप्ट बताऊंगी और आगे की एक्सरसाइज अपन लोग करेंगे। ओके क्लियर ठीक है ना, सब समझ में आया ना, बढ़िया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।